गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अखिलेश। वेलकम टू चीवी अनस्टॉपेबल। दोस्तों, आज की डेट है 15 जुलाई, और आइए करंट अफेयर्स 15 जुलाई के देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आज की सबसे पहले न्यूज़ की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उन्होंने राज्यसभा में नामांकित किया है कुछ सदस्यों को जिनकी संख्या 4 है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा में 4 सदस्यों को नामांकित किया है। उनके नाम कैसे हैं, नाम याद रखिएगा: राकेश सिन्हा, राम शाकल, रघुनाथ महापात्रा, सुनल मान सिंह। आपको पता होगा भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी विशेष फील्ड में, जैसे कला के क्षेत्र में हो गया, साहित्य के क्षेत्र में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, ऐसे क्षेत्र में जो लोग विशेष होते हैं उनके पास सदस्यों को नामित करने की, उनके पास जो राष्ट्रपति है उनके पास ये पावर होती है। तो इस तरीके से उन्होंने अभी हाल ही में 4 सदस्यों को नामांकित किया है। तो याद रखिएगा, इनके नाम भी इम्पॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर देता हूँ: राकेश सिन्हा, रघुनाथ महापात्रा, राम साकल और सोनल मानसिंह। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर बात करते हैं, ASI ने संरक्षित स्मारकों की फोटोग्राफी से प्रतिबंध हटा दिया है। देखिए इसका क्या है, इसको आपको समझिए बात को। जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, भारतीय स्मारक जो है, मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, जो सांस्कृतिक विरासत वाली जो चीज़ें हैं उनको क्या करता है, ये उनको संरक्षित करता है, ऐसे स्मारकों को संरक्षित करता है। तो वहाँ पे लोग जाते थे तो फोटो वगैरह खींचते थे, फोटो लेते थे, ठीक है। तो पहले ये प्रतिबंधित था, मना किया गया था कि नहीं लेना है, लेकिन अभी क्या किया ASI ने, इस प्रतिबंध को हटा दिया है। लेकिन उसने 3 जगहों पर अभी भी प्रतिबंध लगा रखा है। वो 3 जगह का नाम इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है: अजंता की गुफाएं, लेह पैलेस चित्रकारी और ताजमहल आगरा का। ये 3 जगह ऐसे हैं जहां पे अभी भी प्रतिबंध है, मतलब आप वहां पे फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं: अजंता की गुफाएं, लेह चित्रकारी और ताजमहल आगरा की, ठीक है। बात ASI करते हैं तो ASI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है: आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश सम्राट के समय जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1861 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अभी हाल ही में 2 दिवसीय दौरे पर गई हुई हैं। कहाँ गई हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहरीन गई हुई हैं, याद रखिएगा। विदेश मंत्री हमारी सुषमा स्वराज जो हैं 2 दिवसीय दौरे पर गई हैं बहरीन। अब बहरीन गई हैं तो बहरीन की कैपिटल याद रखिएगा मनामा है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से हैं खलीफा बिन सलमान, ठीक है, अल खलीफा, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, उनका पूरा नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और बहरीन की जो करेंसी है वो है बहरीन दिनार। सुषमा स्वराज का नाम अगर आया है तो आपको ये याद रखना कि अभी हाल ही में सुषमा स्वराज एक चर्चा में बनी हुई थी कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं ऐसी महिला जिनको सबसे ज़्यादा लोग ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी एक रेडियो नेटवर्क है, इसकी शुरुआत किया गया है इग्नू के द्वारा, ठीक है। इससे जो स्टडी मटेरियल है उन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा। एक रेडियो नेटवर्क की शुरुआत हुई है ज्ञानवाणी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। अब इग्नू की अगर बात करते हैं तो इग्नू का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, एकीकृत भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया, सबसे बड़ा भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में। अभी राजनाथ सिंह जो है वहाँ पे गए हुए हैं, तो उन्होंने ही क्या किया है, बांग्लादेश में एकीकृत भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश इंडिया मैत्री भवन का भी उद्घाटन किया है, जो कि बांग्लादेश पुलिस एकेडमी में हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, वहाँ पे 2 बातें की गई हैं राजनाथ सिंह के द्वारा, पहली तो एकीकृत भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन, और दूसरा बांग्लादेश पुलिस अकेडमी में बांग्लादेश इंडिया की मैत्री भवन का भी उद्घाटन किया गया है। बात बांग्लादेश से कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख हसीना, कैपिटल यहाँ की ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी चैनल को, वो लोग अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपका, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी है जो उससे रिलेटेड है, वो चीज़ें भी आपकी इससे तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्वचालित ट्रेन वॉशिंग सिस्टम स्थापित किया गया अभी हाल ही में। स्वचालित ट्रेन वॉशिंग सिस्टम है क्या बेसिकली, इसको आप समझिए। जैसे बस वगैरह होते हैं तो वो कहीं पे जाते हैं तो एक वहाँ पे मशीन चलती है जिसके थ्रू उसके ऊपर, बस के ऊपर जो है पानी वगैरह ऑटोमेटिक चला जाता है,
और उसको जो है उसकी सफाई हो जाती है, मतलब उसके ऊपर पानी का छिड़काव होता रहता है। उसी तरीके से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो है दिल्ली के पास, वहाँ पे स्वचालित ट्रेन वॉशिंग सिस्टम स्थापित कर दिया गया है, मतलब अपने आप ट्रेन चलती जाएगी और वो साफ़ हो जाएगी। इससे समय की बचत भी होगा और पानी की भी बचत होगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। विरासत कैबिनेट का गठन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? ये उड़ीसा में किया गया है, याद रखिएगा विरासत कैबिनेट। अब विरासत कैबिनेट क्या है? बेसिकली वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो इतिहास है, उसको संरक्षित करने के लिए, जो वहाँ पे जो हेरिटेज हैं उनको संरक्षित करने के लिए ये सब चीज़ें जो हैं ये विरासत कैबिनेट के अंतर्गत आती है। तो इसी को विरासत कैबिनेट का गठन कर दिया गया है कि जो इन चीज़ों को संरक्षित करेगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ, याद रखिएगा। जिस हाँ, उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पे दोस्तों? भुवनेश्वर है। वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल बहुत ही फेमस है पुरी में, आप लोग जरूर वहाँ पे जाइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। वित्त मंत्रालय ने देश के बैंकों को भारत में शाखा खोलने की मंजूरी दी है। मतलब किसी कोई देश है ईरान, उस ईरान को जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, उन्होंने क्या किया? अपनी शाखा खोलने के लिए मंजूरी दी है। अभी रिसेंटली चाइना को भी इंडिया में अपने बैंक की शाखा खोलने के लिए ओपन मंजूरी दी गई थी, अभी कुछ ही दिन पहले रिसेंट न्यूज है। ईरान को भी उन्होंने अनुमति दे दिया है कि आप यहाँ पे अपना बैंक की शाखा खोल सकते हैं। अगर ये बात ईरान की कर रहे हैं तो याद रखिएगा कैपिटल है तहरीन और करेंसी है रियाल। FSSAI प्रमाणित प्रसाद बिक्री अनिवार्य कर दिया गया है। FSSAI आप देखते होंगे, कोई भी खाद्य पदार्थ अगर लेते हैं जो कि पैक्ड होते हैं, तो इसके ऊपर FSSAI का जो फूड सिक्योरिटी का जो है लोगो, ये लगा रहता है उसके ऊपर, ठीक है, लिखा रहता है। तो अगर इस तरीके का अगर ये FSSAI अगर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे बिक्री नहीं होगी, प्रसाद को वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कहाँ पे ये हो रहा है? ये तमिलनाडु के मंदिरों में हो रहा है। वहाँ गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु स्टेट के गवर्नमेंट ने ये क्या किया है कि अनिवार्य कर दिया है कि जो भी प्रसाद अगर मंदिरों में जाएंगे या जहाँ पे मंदिरों के आसपास जो बिक्री होगी उस पे FSSAI का प्रमाणित जरूर होना चाहिए। इसके बाद है GST के तहत प्रति व्यक्ति रेवेन्यू कलेक्शन। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जो संग्रह किया गया है वो हरियाणा राज्य में किया गया, याद रखेगा हरियाणा, हरियाणा फेमस है इसके लिए, नंबर वन पे है इस समय GST के तहत प्रति व्यक्ति रेवेन्यू कलेक्शन में, शीर्ष राज्य पे हरियाणा है। और हरियाणा अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी था, मैं आज भी बताता हूँ आपको, दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया हरियाणा ने, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए दुर्गा शक्ति ऐप को भी हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। तो आपको हरियाणा के लिए याद रखना है कि वहाँ के सीएम इस समय मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के गवर्नर हैं। नेक्स्ट न्यूज अगर बात करते हैं, बेंगई नाचा। बेंगई नाचा क्या है? एक मेढक नृत्य है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने पे वर्षा होती है वहाँ पे। तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के बारे में अभी आपको ऊपर ही बताया, ठीक है। तो बेंगई नाचा नामक मेढक नृत्य का आयोजन किया गया है कहाँ पे? किया गया दोस्तों उड़ीसा में किया गया है, और रिसेंटली मध्य प्रदेश में भी किया गया था। वहाँ पे क्या किया गया था? मेढकों की शादी कराई गई थी, और ये बताया गया था उसके पीछे तथ्य कि ऐसा करने से वर्षा होती है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018। आई रिपीट, स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं बता रहा हूँ मैं, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण बता रहा हूँ, ग्रामीण पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। 2018 लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण है ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके इसमें मंत्री हैं पेयजल स्वच्छता मंत्री उमा भारती जी हैं। नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 का। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये अलग चीज़ है, इसके तहत सिटी की रैंकिंग होती है कि कौन सी सिटी सबसे स्वच्छ है, और 2016, 17, 18 तीन बार हो चुका है, जिसमें पहले बार पे मैसूर नंबर वन पे था, दूसरे तीसरे बार इंदौर नंबर वन पे आया है, ठीक है, सबसे स्वच्छ सिटी में। तो अलग चीज़ है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है 2018 जो लॉन्च किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। एक फूल है नील कुरुंजी, याद रखिएगा नील कुरुंजी एक फूल है जो 12 साल में केवल एक बार खिलता है। ये पाया गया है पश्चिमी घाट पे, जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, आप अगर मैप में देखेंगे तो गुजरात के नीचे से लेकर के, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों तक ये पूरा का पूरा जो जोन है ये वेस्टर्न घाट में आता है। तो वहाँ पे नील कुरुंजी नामक एक फूल खिला है, खिला हुआ पाया गया है। तो ये 12 साल में एक बार फूलता है, तो इसलिए नाम इसका इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हाल ही में एयरबस ने 3 इंडियन स्टार्टअप के साथ समझौता किया है। एयरबस जो कि कंपनी है एविएशन फील्ड की, उसने क्या किया? 3 इंडियन स्टार्टअप के साथ समझौता किया। वो 3 कंपनियों का नाम आपको याद रखना है, नेवी, ई फ्लाइट, एयरपिक्स। आई रिपीट, नेवी, ई फ्लाइट और एयरपिक्स, ठीक है।
इसके बाद साउथ अफ्रीका में अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन को लॉन्च किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन, यहाँ से बैठे हम स्पेस के बारे में सारी चीज़ें उस दूरबीन से देख सकेंगे, ऐसा उन लोगों का मानना है। उसका नाम क्या है? मरकट, मरकट है उसका नाम, याद रखिएगा, मरकट बोलते हैं उसको। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन लॉन्च किया गया है साउथ अफ्रीका में, मरकट। ठीक है, कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि मोहम्मद कैफ, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑल फॉर्मेट्स, उन्होंने संन्यास ले लिया है। और कल ही इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हो रहा था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपने वनडे में 10,000 रन पूरे किए हैं। ऐसा करने वाले वो चौथे भारतीय हैं जिन्होंने कि वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से 10,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय हो गए हैं। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़, तीन लोगों के बाद ये चौथे नंबर पर हैं। इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में के लिए इतना ही। करंट अफेयर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।